हाय स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था परावर्तन। हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा कि परावर्तन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं परावर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई किसी पृथककारी पृष्ठ प्राप्तित होती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई पृथककारी पृष्ठ होती हुई पृथककारी पृष्ठ, या इसी को बोल सकते हैं अपन परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तथा उससे टकराकर या परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ जो होती है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, ये क्या होता है? दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ पृथककारी या परावर्तक कहलाता है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ जो है वो क्या कहलाएगा? पृथककारी पृष्ठ कहलाएगा। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से टकराती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाती है। उसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगर प्रकाश का परावर्तन, जैसे मान लो ये कोई पृथककारी पृष्ठ है, इस पर ये क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। और जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी, ये आपतित हुई और इससे टकराकर वापस उसी माध्यम, ये माध्यम यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, दिशा अलग हो गई यहाँ पर, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये अपन बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोण क्या है? आई है। ये कोण क्या हो जाएगा? आर। ये आपत परावर्तन कोण हो जाएगा? ये आपतित किरण, ये तो क्या कहलाएगी? आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये पृथककारी पृष्ठ। तो ये क्या था? परावर्तन। अब यहाँ पर परावर्तन के प्रकार देखते हैं तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। यहाँ पर एक जो होगा वो होगा नियमित परावर्तन,
नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित का मतलब होगा एक निश्चित दिशा में, अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण आती है वो प्रकाश की किरण जो है एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन। तो यहाँ पर जो प्रत्यककारी पृष्ठ जो होगा वो चिकना होगा, चिकने पृथककारी, चिकने पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें क्या होगी, आपतित होती है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा, चिकना होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं, सपोज मैं करो ये जो पृष्ठ है ये कोई चिकना पृष्ठ है, यहाँ पर ये परावर्तक पदार्थ हो गया, यहाँ पर मैं अब देखो, यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित यहाँ पर आपतित होगी, ये आपतित हुई, ये आपतित हुई, ये आपतित हुई, तो ये क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में क्या होंगे, परावर्तित होंगे। ये क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पृथककारी पृष्ठ जो है ये कैसा है, चिकना, चिकना पृथककारी पृष्ठ। तो इस पृथककारी पृष्ठ से जो परावर्तन की घटना होती है, अर्थात यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणों को एक निश्चित दिशा में क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। अर्थात ये जो परावर्तित प्रकाश की किरण जो है ये कैसी होंगी, समांतर होंगी, यहाँ पर एक निश्चित दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। जबकि विसरित परावर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा भाई, खुरदरा, खुरदरा होगा। तो यहाँ पर जो परावर्तन की घटना जो होगी, अगर मान लो ये जो पृष्ठ है यहाँ पर इस तरीके से, ये पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा होगा। कैसा है, यहाँ पर ये परावर्तक पदार्थ का लेप किया पढ़ने, तो यहाँ पर जो परावर्तन की घटना जो होगी वो होगी अलग अलग कोण पे होगी। अर्थात यहाँ पर मान लो अभिलंब ये प्रकाश की किरण इस जगह आके गिरी, ये प्रकाश की किरण मान लो इस जगह आके गिरी, ये प्रकाश की किरण इस जगह आके गिरी, तो यहाँ पर जो पृष्ठ जो है वो अलग अलग क्या है, अलग अलग का काम करेगा। तो यहाँ पर मान लो परावर्तन की घटना जो हो रही है वो इस तरीके से हुई, यहाँ पर परावर्तन की घटना इस तरीके से होगी और यहाँ पर परावर्तन की घटना मान लो इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, एक निश्चित दिशा में परावर्तन नहीं हो रहा, परावर्तन यहाँ पर प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, सतह से टकरा है और टकरा कर इधर उधर फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, कि कोई प्रकाश की किरण इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई, इस तरीके से प्रकाश क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है। किसमें, विसरित परावर्तन में। तो विसरित परावर्तन में क्या होता है, खुरदरे पृष्ठ जो होता है उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और उससे टकरा कर अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है, फैल जाती है। उसी घटना को क्या कहा जाता है, विसरित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन में क्या होगा कि प्रकाश की किरण एक पृष्ठ पर अर्थात चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, तो जो पृष्ठ पर आपतित होगी वो पृष्ठ सभी जगह कैसा होगा, समान होगा। और समान होगा, जैसे ही कोई आपतित प्रकाश की किरण होगा तो एक निश्चित दिशा में क्या होगी, परावर्तित होगी। तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होगी तो प्रकाश जो है एक निश्चित दिशा में क्या होगा, गमन करता है। क्लियर। तो ये जो था परावर्तन, कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक विस्तृत परावर्तन और एक नियमित परावर्तन। क्लियर। अगर यहाँ पर जो परावर्तन जो है ये परावर्तन माध्यम एक में हो रहा है, तो माध्यम एक में हो रहा है तो प्रकाश के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात पहले जो आपतित प्रकाश की किरण का जो वेग होगा वही किसका होगा, परावर्तित प्रकाश का वेग होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जब अपन परावर्तन के नियम पढ़ते हैं तो परावर्तन के नियम में पहली बात तो क्या, तीनों
तीनों कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जितने कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होगी उतने ही कोण से प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। किसके लिए ये, अगर यहाँ पर बात करते हैं परावर्तन के नियम, तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है, आपतित प्रकाश, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण का वेग समान होगा। दूसरी बात करते हैं यहां पर आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर आपतन कोण I का मान किसके बराबर होगा, आपतन कोण R के बराबर होता है। ये है किसके नियम, परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के प्रकार क्या है और परावर्तन के नियम क्या हैं। तो ये तीन बातें जो है अपनी इम्पोर्टेंट थी, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। क्लियर, नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन अगली क्लास में।